हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल बाजार जैसी स्ट्रीट फूड जैसी चिकन तंदूरी टिक्का बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बनाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के आपको इसी तरीके से पीसेस करने हैं ताकि आप इसे अच्छी तरीके से सिखों में इंसर्ट कर पाए। तो इस तरीके से चिकन के पीसेस लेने के बाद हमें इसे मैरिनेट करना है। तो मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब डालेंगे इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर मींस कोरिएंडर पाउडर, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और इस टिक्के को स्पाइसी बनाएंगे तभी अच्छा लगेगा, तो हमें इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डालना है। लगभग 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें हमने टिक्का मसाला भी डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है। आधा टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। 2 से 3 पिंच के करीब हमने रेड फूड कलर लिया है, आप ऑरेंज फूड कलर भी ले सकते हैं। आधा टीस्पून डालेंगे काला नमक और 1 हमने नींबू लिया है। तो यहाँ पर हमें खटाई अच्छे से डालनी है तभी ये टिक्का स्वादिष्ट बनते हैं। तो मैंने पूरा 1 नींबू लिया है और इसमें निचोड़कर मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वादनुसार नमक, तो नमक हमने काला नमक भी डाला है, इस बात का ध्यान रखें। और अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच और आधा चम्मच डालेंगे गर्म मसाला पाउडर, साथ ही 2 टेबल स्पून हमने इसमें खट्टा वाला दही भी डाला है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने पहले ही कहा कि आप यहाँ पर फूड कलर को स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर डाला है, बहुत ही सुंदर बहुत ही टेम्पटिंग ये टिक्का दिखेंगे और खाने में तो है ही ये स्वादिष्ट, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं। जब आप बनाएंगे तब खुद ही सोचेंगे खुद ही देखेंगे। तो इसे हमने ढककर रख दिया है लगभग 3 से 4 घंटे के लिए, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 घंटे के बाद अब हम इसे कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हमें ये सारा चिकन जो मैरिनेट हुआ है उसे डाल देना है। और आप देख सकते हैं पैन में हमने ना तेल डाला है, ना घी, ना बटर, कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे ही हमें इसे ड्राई करना है चिकन को पकने तक। जैसे हम इसे पकाते रहेंगे ये अपना मॉइस्चर छोड़ने लगेगा और इसी मॉइस्चर में चिकन भी पकने लगेगा। तो हमें इसे पूरा ड्राई होने तक पकाना है। तो ये देखिए अब धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे मसाले चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं। और अच्छे से पक जाने के बाद, अच्छे से ड्राई होने के बाद हमें इसे एक साइड रख देना है, इसे हल्का ठंडा करना है। तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सीखे ले ली है। तो अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसे ये चिकन तंदूरी बनानी हो तो आपको इस तरीके की मोटी सीख लेनी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो लकड़ी के स्क्यूअर्स आते हैं उन्हें भी ले सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखिए सीख के लास्ट में जहाँ पर हम पकड़ते हैं वो लकड़ी का होता है। तो जैसे हम गैस पर इसे सेकते हैं, मतलब चिकन को सेकते हैं, तो ये जलने लगती है। तो ये जले नहीं, इसके लिए हमने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया है ताकि हम इसे आसानी से भून सके और गैस पर कोई लगने के चांस भी ना रहे, मतलब लकड़ी जलने के कोई चांस ना रहे। अब यहाँ पर देखिए जो चिकन के पीसेस है वो हल्के ठंडे हो चुके हैं। अब हमें सीख के अंदर इसे पुरोना है, लेकिन ध्यान से पुरोइएगा ताकि टूटे नहीं चिकन, क्योंकि चिकन पका हुआ है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से ध्यान से सारे चिकन को इस तरीके से लगाना है। और सारे चिकन लग जाने के बाद, सारे सीखे तैयार हो जाने के बाद हमें इसे भूनना है, लेकिन हम इसे भूनने से पहले इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो चिकन टिक्का है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, और जो लोग डाइट पे हैं जिन्हें प्रोटीन युक्त खाना अगर खाना हो, कुछ हेल्दी चीज़ें खानी हो, तो इस तरीके से आप ये चिकन टिक्का भी बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो तेल है, ना ही घी है और ना ही बटर। बटर हल्का हमने इस पर लगाया है और अब हम इसे गैस पर सेकेंगे। जैसे ही हम इसे सेकेंगे इसमें से इतना ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आएगा, जैसे आपको लगेगा कि बाज़ार का स्ट्रीट फूड का आप चिकन टिक्का खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही खुशबू आने लगेगी। और जो हमने बटर लगाया है ना चिकन के ऊपर, जैसे ही उसकी सिकाई होती है ना, उसका एक साउंड, उसकी खुशबू ही अलग आने लगती है। तो आप देख सकते हैं हमें इसके ऊपर अच्छे तरीके से मार्क्स आने तक, बिल्कुल इसमें स्मोकी फ्लेवर आने तक इसी तरीके से भुनना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे चिकन टिक्का बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है, मींस भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें इफ़ेक्ट आया है, कितने अच्छे तरीके से ये भून चुका है। अब सभी चिकन को, मतलब जो हमने
जो चिकन के पीसेस रेडी किए हैं, भुने हैं, उन्हें हमें एक बोल में निकाल लेना है ताकि हम इसके ऊपर और अच्छी तरीके से चाट मसाला या फिर मेल्टेड बटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेल्टेड बटर डाला है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये इतनी स्वादिष्ट लगती है, जब आप इसे घर पर बनाएंगे ना आप ज़रूर मुझे कहेंगे कि ये रेसिपी का कोई जवाब ही नहीं है। और ये आप बिल्कुल एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी और टेस्ट में कैसी बनी थी। तो चलिए अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे परोसने से पहले आप हरी चटनी बना लीजिएगा धनिया पुदीने की, थोड़ी खट्टी मीठी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा निखर जाए और खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आज की ये लाजवाब रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए एक पीस को हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग, बिल्कुल बाजार जैसी, होटल जैसी ये बनी है, बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा।